145वां जबूर। हम्द व सिताइश का नगमा। ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुलाबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुलाबाद तेरे नाम की सिताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है, उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा और लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ऐ खुदावंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अबदी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदावंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते हैं वो उनकी मुराद पूरी करेगा, वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। खुदावंद अपने सब मोहब्बत रखने वालों की हिफाजत करेगा लेकिन सब शरीरों को हलाक कर डालेगा। मेरे मुंह से खुदावंद की सिताइश होगी और हर बशर उसके पाक नाम को अब्दुल आबाद मुबारक कहे।